उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बीजेपी से तय हो गई थी संजय जोशी की विदाई। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्र इसी बात का इशारा करते हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक करीब डेढ़ महीने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने संजय जोशी को ये कह दिया था कि आप बीजेपी से इस्तीफा दे दीजिए। दरअसल गडकरी पर इस बात का दबाव था कि जिस संजय जोशी को उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी यानी सांगठनिक क्षमता का हवाला देते हुए गडकरी ने पार्टी में फिर से एक्टिव किया था, उन संजय जोशी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काफी खराब रहा। ऐसे में गडकरी ने संजय जोशी को बीजेपी से इस्तीफा देने के लिए कहा था। सूत्र बताते हैं कि संजय जोशी ने गडकरी की बात सीधे तौर पर नहीं मानी। पहले तो उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी थी उससे आज इस्तीफा दिया। और अब बताते हैं कि संजय जोशी को आखिरकार बीजेपी से भी इस्तीफा देकर बाहर जाना पड़ेगा। सवाल बड़ा ये है कि ऐसे में क्या संजय जोशी की विदाई सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खराब नतीजों की वजह से हो रही है या फिर उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है मोदी का दबाव। जाहिर है बीजेपी इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं कर रही।